नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर वर्ग एक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश फाइनली लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आप भी वर्ग एक के चयनित शिक्षक थे और नियुक्ति को लेकर इंतजार कर रहे थे तो 16/10/2024 की तारीख पर यह आदेश जारी किया गया है। यह पोर्टल पर आपको आज की तारीख पर 19 और कुछ आदेश 18/10 की तारीख पर आपको मिल जाएंगे। हालांकि यह आदेश 16/10/2024 को ही डीपीआई ने बना के तैयार कर लिए थे हाईकोर्ट के आदेश के बाद। वीडियो महत्वपूर्ण होगा, यहां पर एक बार इसको अच्छे से देख लें। लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है यह भी हम बता देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से जारी किया हुआ नियुक्ति आदेश वर्ग एक शिक्षकों के लिए है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 और संशोधित नियम 1/12/2022 के नियम 8 के उपनियम 5 और नियम 3 के ये तमाम तरह की बातें यहां पर है। फाइनली इनका जो है 28/4/2023 को विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति हो रही है और 2023 के कैंडिडेट हैं। 2023 में जो परीक्षा हुई थी वह वाले हैं। ये जो आप लिस्ट देखेंगे ये अर्थशास्त्र का है, सभी विषय का जारी कर दिया गया है वर्ग एक के लेटर स्कूलों पर। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मुकेश कुमार पांडे और ये एड्रेस इनका, ये रोल नंबर है और ये रैंक वगैरह है और यहाँ पर ये इनका जिला और ये स्कूल फाइनली यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो इसमें आपको इस तरह से बहुत सारे नाम मिलेंगे और अतिथि शिक्षक जो स्कूलों पर काम कर रहे थे और हाल ही में जिनके स्कूल के आवंटन हुए हैं अभी 18 तारीख को, वह ज्वाइनिंग होने से पहले ही हट जाएंगे क्योंकि अब उनकी जगह ये वाले अतिथि शिक्षक जो है ये वाले रेगुलर शिक्षक ज्वाइन होंगे और जो पुराने अतिथि शिक्षक थे यानी जो सत्र के शुरू में काम में लग गए थे वह भी अब हट जाएंगे क्योंकि वर्ग एक के ये रेगुलर शिक्षक जो है अब स्कूलों पर अपनी ज्वाइनिंग उपस्थिति देंगे। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो है इस तरह से नाम वगैरह मिल जाएंगे आपको और मैं एक बार दिखा देता हूँ। सभी विषय का जारी कर दिया गया है डीपीआई से और 4000 करीब इनकी संख्या है। इसके बाद के फिर वेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर सीधी तौर पर अतिथि शिक्षक हटेंगे जो यहाँ पर वर्ग एक के अतिथि शिक्षक जो हैं और वर्ग एक के रेगुलर शिक्षक हैं। इसका पूरा लिस्ट हर विषय का जारी किया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट है। और ये कैसे डाउनलोड करनी है यह भी आपको यहाँ पर बता देते हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये कुछ नियम हैं, जैसे यहाँ पर अर्थशास्त्र में 157 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर जारी किए गए हैं और यहाँ पर इनका जो वर्ग एक का जो ग्रेड पे वगैरह है बैंड है वो 9300 से 34800 और ग्रेड पे जो इनका है 36200 से 114800 रुपये रहता है। और यहाँ पर वही है 70-80-90% वाला सिस्टम स्टाइपेंड वाला यहाँ पर 3 साल के लिए लागू किया गया है। 3 साल के बाद इनको पूरा जो है वेतन दिया जाएगा, 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रहेगा। और पूरा यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा नियम बताया हुआ है कितने दिन के अंदर ये ज्वाइन लेंगे, 15 दिन के अंदर इनको ज्वाइनिंग स्कूलों पर देना है। तो ये कंप्लीट ये पूरा यहाँ पर है, रिकॉर्ड वगैरह जो भी लेके जाना है। ये लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे एक सवाल जो कि मैंने बताया शुरू में कि आपको बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं शिल्पा गुप्ता के सिग्नेचर। ये लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको एमपी एजुकेशन पोर्टल पर जाना होगा और एमपी एजुकेशन पोर्टल में आप जैसे ही जाएंगे ऊपर ही ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे ही नीचे करते जाएंगे अलग अलग विषय की वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए बिल्कुल फ्री में। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।